देखिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस प्रकार की योजनाएं जो है पशुपालकों के लिए किसी भी सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। एक ही स्थान पर सैकड़ों पशुपालक जिनका आवास भी बना हुआ हो, पूरा आवास, दो दो कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, आपका गोदाम, इसका भूसे का गोदाम और पशुओं के लिए शेड जिसमें 30-30, 40-40 पशु आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े जो है वो बनाए गए हैं, वो सारे के सारे अलॉट हो गए। आज काफी 10-12 आदमियों को तो टोकन तो तरीके से जो है उनको चाबियां सौंप दी गई हैं, बाकी 501 आदमियों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 501 को जो है आज कब्जा दे दिया जाएगा। ये ऐसी योजना है, नायाब योजना इसलिए है कि इसमें सारे देवनारायण नगर की जितनी भी बसावट है वो उसकी बिजली जो है वो बायोगैस से चलेगी। गोबर गैस का प्लांट लगाए गए, दो प्लांट, बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं, उनके 35 दिन के अंदर अंदर उनमें गोबर जब भर जाएगा तो उसमें सारी की सारी जो है उसमें बिजली, सारी बिजली वहाँ से प्रोत्साहित होगी। नलों का पूरा पानी का इंतजाम किया गया है, हाइरा टैंक बनाया गया है, पुस्तकालय बनाया गया है, पुस्तकालय के साथ साथ यहाँ पर पुलिस चौकी बनाई गई है। जो पुलिस चौकी अभी रानपुर का जो थाना स्वीकृत किया था मुख्यमंत्री जी ने, वो रानपुर का थाना अब इस पुलिस चौकी में चलेगा। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, भैंसों के लिए, गायों के लिए चारागाह का इंतजाम किया गया है, तालाब का इंतजाम किया गया है ताकि तालाब में भैंसें ना धो सके, इस तरीके से सारे इंतजाम किए गए, सारा चारों तरफ प्लांटेशन किया गया है। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो शहर की सड़कों को मात दे रही हैं, इतनी बढ़िया सड़कें यहाँ पर बनाई गई हैं और जबरदस्त प्लांटेशन हुआ है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।